इस हवाले से हमने फैसला किया। जिस तरह हमारा कान में तर्जी है, यहाँ कोलपुर है, ज़ियारत है, कुजक टॉप है, कलात है, या लखपास है, इन सब जगहों में हम ऐसे सेंटर बनाएंगे। हर रूम में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 6% की है, जिसमें तमाम सहूलियतें जो फूड नॉन फूड आइटम्स है और प्लस यहाँ पे जो गर्म कपड़े या के ब्लैंकेट्स है उनकी प्रोविज़न भी हमने कर दी। ये वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहिब ने खुसूसी तवज्जो दी और उन स्पेसी रिलीज़ किए। इस हवाले से हमने फैसला किया। जिस तरह हमारा कान में तर्जी है, यहाँ कोलपुर है, ज़ियारत है, कुजक टॉप है, कलात है, या लखपास है, इन सब जगहों में हम ऐसे सेंटर बनाएंगे जहाँ एनी टाइम अगर रास्ते बंद हो वहाँ रास्ते खोलने के लिए मशीनरी हो और वहाँ मुसाफिरों को अगर एमरजेंसी में कहीं रहने के लिए जगह ज़रूरत हो। जिस तरह आप ये कमरे देख रहे हैं, इसमें हम सब बैठे हैं, हमने यहाँ आ रहे हैं, सोने के लिए कंबल भी पड़े हैं, तो ये सहूलतें हम अपने आवाम को दे सकें। अपने वसाइल के अंदर रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर मुसाफिरी में या रहने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो। कान में तर्जी जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये आप ऐसा समझे कि सर तरीन मुकाम है हमारे जो पूरे प्रोविंस का है। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि जैसा कि 2019 में जो बर्फबारी हुई थी तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हुई थी, स्पेशली लोग यहाँ पे स्टक हो गए थे और लोगों के पास यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पे कि जो पैसेंजर्स स्पेशली उनको ठहराया जा सके। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने वज़ीर आला साहब के खसूसी हिदायत पे, मिनिस्टर पीडीएमए के खसूसी इंस्ट्रक्शंस पे हमने यहाँ पे ये सेंटर कायम किया, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि 48 के करीब हमने रूम्स यहाँ पे जो है ना वो बना लिए और हर रूम में जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 6% की है, जिसमें तमाम सहूलियतें जो फूड नॉन फूड आइटम्स है और प्लस यहाँ पे जो गर्म कपड़े या के ब्लैंकेट्स है उनकी प्रोविज़न भी हमने कर दी। मुख्तसर ये कि एक वक्त में हम 300 से 400 के जो लोग हैं उन पर यहाँ पर उनको ठहराया जा सकता है। और जहाँ तक मशीनरी की बात है कि रोड पर अगर जो है ना स्नोफॉल ज़्यादा हो तो उनको रिमूविंग के लिए जो है ना हमने एवी मशीनरी की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे बिफोर जो विंटर सीज़न थे यहाँ पे हमने पहुँचा दिए थे, अलॉन्ग विद हमारे जो ट्रेंड रेस्क्यूअर्स हैं और प्लस हमारे जो एम्बुलेंसेज हैं इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी जो कि फुली इक्विप्ड है उनकी भी हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी की हुई है।